बंगाल में जल्द चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी बंगाल में तेज है। बात करते हैं बंगाल की सियासत की। आज से ममता बनर्जी के बंगाल में बीजेपी का प्रचार रथ दौड़ने जा रहा है। इन रथों से नारा लगेगा परिवर्तन का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस यात्रा में नड्डा के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी जुड़ेंगे और फिर होगी पीएम मोदी की एंट्री। बीजेपी आज से बंगाल में परिवर्तन की आवाज बुलंद कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के नवद्वीप से परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। रथ यात्रा से पहले जेपी नड्डा सुबह 11 बजे मालदा में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे मालदा के ही शाहपुर गांव में 3000 किसानों के साथ भोज में हिस्सा लेंगे। दोपहर 12:30 बजे मालदा में फुआरा मोड़ से रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा तक रोड शो करेंगे। दोपहर 3 बजे नादिया के नवद्वीप से परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। रथ यात्रा से पहले दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पर बीजेपी नेताओं की ये फौज ममता बनर्जी की शिकायत करने पहुंची। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में जो रथ यात्रा होनी है उसके लिए ममता का प्रशासन अड़ंगा डाल रहा है। आज वहाँ रथ यात्रा की आपको परमिशन नहीं मिल रही थी, अब तो परमिशन दे भी दी गई तो मुझे लगता है विवाद तो अब खत्म। मुझे नहीं मालूम कहाँ तक परमिशन आया है। हम केंद्रीय रूप से परमिशन मांगे थे 5 यात्रा का, तो सरकार ने हमको लोकल अथॉरिटी से परमिशन मांगने के लिए बोला था, लेकिन कौन अथॉरिटी होगा तो DC वहाँ के SP होंगे उनसे बातचीत चल रही थी। इधर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी, उधर ममता सरकार ने रथ यात्रा की इजाजत दे दी लेकिन शर्त रख दी, जैसे रथ यात्रा से पहले हेलीपैड तैयार हो जाने चाहिए, हेलीपैड की दोहरी बैरिकेडिंग होनी चाहिए, यात्रा में समर्थक कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक हों, सुरक्षा के लिए CCTV लगे होने चाहिए, रथ यात्रा के लिए हर जगह स्थानीय स्तर पर मंजूरी लें। नड्डा जी का यहाँ पर बेस क्या है? नड्डा जी बहुत बड़े नेता हो सकते हैं मगर उनका बंगाल में बेस क्या है? तो उनको देखने के लिए और वो देख के इतना प्रभावित हो जाएंगे जो है बीजेपी को वोट दे देंगे, ये सोचना भी गलत है। दूसरा है जो ये यात्रा हर जगह जितना बीजेपी करता है वो सांप्रदायिक भेदभाव के लिए करता है। तृणमूल का राजनीति है डरना धमकाने वाला राजनीति, और हमारा राजनीति है एकदम सीधा लोकतांत्रिक व्यवस्था का भीतर रुक जाने का राजनीति। तृणमूल का जो राजनीति है वो विभाजन का राजनीति है। अब आपको बंगाल में परिवर्तन के लिए बीजेपी का मेगा प्लान समझाते हैं। आज बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा के बाद 11 फरवरी को यात्रा का दूसरा रथ रवाना करने गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार का दौरा करेंगे। कुल 2 रथ जेपी नड्डा को रवाना करने हैं और 3 रथ को हरी झंडी अमित शाह दिखाएंगे। इसके अलावा इसी महीने बीजेपी बंगाल में और भी ज्यादा सक्रिय होने वाली है। 7 फरवरी को पीएम मोदी का बंगाल के हल्दिया में कार्यक्रम है। कार्यक्रम सरकारी है लेकिन निशाना चुनावी ही होगा। ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया है। बाद में मार्च के पहले हफ्ते में मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में बड़ी रैली भी करेंगे। देखिए चुनाव को लेकर पार्टियों की नजर मुस्लिम वोट्स पर है, तो जाहिर तौर पर मुस्लिम वोट्स पर बंगाल की सियासत अब गर्म हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने अब आ गए हैं इन वोट्स को लेकर। वोटरों पर आई 30% वोटर बिगाड़ सकते हैं सत्ता का समीकरण। बंगाल की लड़ाई मुस्लिम वोटरों पर कैसे आई ये समझने के लिए कांग्रेस नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अब्दुल मन्नान की चिट्ठी को सुनिए जो उन्होंने सोनिया गांधी को लिखी। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि अल्पसंख्यक वोटर कांग्रेस पार्टी से दूर चले गए हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस पूरी तरह कमजोर पड़ गई है। बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं। परंपरागत मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़कर रखने में हम नाकाम रहे हैं। अब्दुल मन्नान की चिट्ठी पर बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवी ने हमला बोला। ट्वीट कर लिखा, धर्म निरपेक्ष राजनीति का असली मतलब मुस्लिम तुष्टिकरण के अलावा और कुछ नहीं है। बंगाल में कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान की सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अपनी हताशा को नहीं छिपा सकते। चिट्ठी को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित मालवीय ने ट्वीट कर अब्दुल मन्नान पर निशाना साधा तो उन्होंने इसका जवाब दिया।
हम लोग ममता को कभी बीजेपी के खिलाफ बोलने नहीं सुनता है। अभी उनका वोट के लिए बोलता है, ए टीम बी टीम का लड़ाई देखता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। बता दें कि अब्दुल मन्नान ने धार्मिक नेता पीर जादा अब्बास सिद्दीकी की अगुवाई वाले इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में जोड़ने की कवायद की थी। जैसे जैसे बंगाल चुनाव करीब आ रहा है, ममता और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अब दोनों नेताजी के नाम को भुनाने की कोशिश में जुट गए। नेताजी के नाम पर मिशन बंगाल, नेताजी के नाम पर बीजेपी ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है, तो बजट में दीदी ने भी नेताजी के नाम पर कई ऐलान कर दिए। ममता बनर्जी ने जय हिंद भवन बनाने के लिए 100 करोड़ का आवंटन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में हर जिले में बनेगा जय हिंद भवन। इतना ही नहीं, कोलकाता पुलिस में एक नया बटालियन बनेगा, नाम होगा नेताजी बटालियन। केंद्र सरकार में योजना यानी नीति आयोग की तर्ज पर बंगाल में बनेगा नेताजी योजना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जैसे ही सदन में बजट पेश किया, मानो नारेबाजी शुरू हो गई। एक के बाद एक विधायकों ने पहले तो अपना विरोध दर्ज करा दिया और उसके बाद बीजेपी के विधायकों ने जय श्री राम का नारा लगा के सदन से वॉकआउट कर दिया। जाहिर है बंगाल की राजनीति का जो समीकरण बदला है, उसके केंद्र में लगता है नेताजी सबसे ऊपर है, क्योंकि केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने भी देश के 383 रिहायशी स्कूलों और 680 हॉस्टलों के नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल रखने का फैसला लिया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।